आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, 1.3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि किसके किसके पास किताब है। सभी बच्चे बोलो यस यस यस। क्या आपके पास एनसीईआरटी बुक है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, किताब खोल लो। कह रहा है तीसरे में कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जो जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बुकिया में दिया हमें इससे मतलब है। 1/7 बराबर, अरे ये 7 है गधों, लिख लो, लिखो लिखो लिखो। ये इतना दिया है, ठीक है, ये इतना होता है, आप भाग करके देख लो, इतना होता है। आगे क्या कह रहा है सुनो, कह रहा कि हम जानते हैं 1/7 इक्वल 0.142857, इसके पूरे पर क्या है बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 और इसमें क्या है भैया 3/7 और 4/7 5/7, ये ढेर सारे नंबर दिए गए हैं। कह रहा कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो वो कैसे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 9 की गणित है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 1.3 है। तो बच्चा क्या कह रहा है, जो उसको हम लोग को गौर से समझना है। कह रहा है कि 1/7 जो है वो इतने के बराबर होता है, ये सही है। तो इसी आधार पर, इसी तर्ज पर आप इनको, मैंने दो ही अभी लिखा है, अभी और भी लिखेंगे, इनको बिना लंबी भाग किए, इनको बिना लंबी भाग किए आप हल करो, और हल करके दशमलव प्रसार करके ये बताओ कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, किस प्रकार का है। हाँ, और अगर हाँ आप कर सकते हो तो वो कैसे करोगे ये बताना है। तो देखो, इनको मुख्य रूप से सिर्फ इनकी क्या बताना है बच्चा, ट्रिक बताना है, ठीक है। तो समझो, 2/7 इनका पहला नंबर है, तो बच्चा इसे हम लिख सकते हैं बाबू 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 7 की जगह पे हम 0.142857 लिख देंगे, ठीक है। इसमें हमें 2 का गुणा कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 2 × 7 = 14 का 4 हासिल, 1 × 2 = 10 = 11 हासिल, 1 × 2 = 16 1 × 17 = 7 हासिल, 1 × 2 = 4 = 5 और 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2। तो भैया हो, बाबू हो, ये आपका इतना आ जाएगा। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या है। मिस्टर वंदना पलक मौर्य जी बताइए, ये समझ में आया? तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अभी मैंने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही ना। चलो, ये आपके सामने आ गया। तो इसी तरह से प्यारे साथियों, इसको भी आप कर लोगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 इक्वल 3 × 1/7 का जो वैल्यू है उसको लाके इसमें पुट करोगे, यानी 1 × 4 = 8 × 5 = 7 जो भी दिया गया है इसको 3 से गुणा करोगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कर लोगे ना भैया, कर लोगे ना बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से तुम इसमें जो दिया है 4/7 5/7 6/7 सब कर लेना, 3 का इसमें गुणा कर दो, तो 3 × 7 = 21 हासिल आया 2, इधर दिख रहा है ना, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 5 = 15 2 × 17 = 7 हासिल आया 1, और 3 × 8 = 24 1 × 25 = 5 हासिल आया 2, 3 × 2 = 6 = 2 = 8 और 3 × 4 = 12 हासिल 1, 3 × 3 = 4। तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 0.42857 है ना, इसके ऊपर बार लगा दो, ये नीचे वाली लाठी लगाओ या ना लगाओ। ममता तिवारी जी कमेंट आ रहा आपका, जसविंदर सिंह, पुष्पा, अमित, रामू, सीलू, दर्शन, हंसराज वर्मा, कमलेश, श्रुति, सूरज, पिंकी, सबका कमेंट आ रहा है।
ये मल्टीपल सही सही करना, ऐसा नहीं कि गुड़ा ना कर पाओ तुम, फिर तो सब गड़बड़ा ही जाएगा मामला, सब खिचड़ी हो जाएगा। हाँ गुड़ा कर लेना सही सही। हाँ चलें आगे बढ़ें। चलो तो ये आपका हो गया इस तरह से। बच्चों आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने अभी बताया, क्या आप 4/7 कर लोगे कि नहीं? अभी बोलो यस या नो, जल्दी बताओ यस या नो, कर लोगे कि नहीं? हाँ कर लोगे ना भैया, जल्दी बोलो यस। देखिए एक बात बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों, आपको सिर्फ यहाँ से तरीका सीखना है, ये नहीं कि गुरुजी हमारे तो 2/3 दिया है, आप ये 2/5 का है बताओ ता। अरे गधों तरीका सीख लो, क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे सवाल हैं। अरे वैसे जान लो जैसे बाइक देखे हो, मोटरसाइकिल, अरे भाई होती नहीं है अपाची वगैरह, एक्टिवा वगैरह, या फिर हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, बहुत सारी बाइक है। अगर तुम एक बाइक चलाना सीख जाओ तो सब चला लेते हो कि नहीं बताओ? सभी बोलो, ईमानदारी से बोलना, अगर कोई बंदा एक गाड़ी चलाना जानता है 2 चक्का में, तो वो सारी 2 चक्का चला लेता है ना? ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे TVS स्पोर्ट है तो हम हीरो होंडा नहीं चला पाएंगे। हाँ चला लेता है ना, तो उसी तरह से ये सवाल हो है, अगर तुम एक सीख गए तो तुम सब कर ले जाओगे। समझ में आया ना? आया ना समझ में? तो बस इतना ही मान के चलो कि ये क्या है, एक मोटरसाइकिल है जिसे तुम चलाना सीख गए एक ना, तो तुम सब चला लोगे बस वैसे ही। और हाँ जो अलग तरह के हैं वो मान लो क्या है, स्विफ्ट डिजायर हैं और आपकी सफारी, फॉर्चूनर, अलग अलग गाड़ियां हैं भाई, तो उनके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि 4 चक्का कहानी अलग है। तो उस तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो मान लो चलो 4 चक्का में, 2 चक्का में नहीं। सर लाइव में घात, लड़का घात जा रहा है ही, भाई क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी बात। चांदनी कुमारी जी कमेंट आ रहा है टेक ज्ञान, ठीक है बेटा देखो पढ़ लो तो अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, कोई क्या लिखा है अगला क्वेश्चन नंबर 3। अरे ये तो दूसरा था जो मैं बताया, अब तीसरा आया, अब तक दूसरा था। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सभी जल्दी से। ये बताओ हमारी आवाज कुछ ज्यादा चैला फार निकल रही का, मतलब रेड लाइन क्लास कर रही है मेरी जो आवाज है। हाँ देखो समझो, 3 कह रहा है कि निम्नांकित को या निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है बच्चों, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या ये किताब तुम्हारी सवाल, मतलब ये सवाल तुम्हारी किताब में है? बोलो यस है, किनके किताब में है बोलो, सबकी किताब में होगा। देखो प्रश्नावली बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदलेगा, एक्सरसाइज बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदलेगा, सवाल वही होगा, टॉपिक वही होगा, सब वही होगा। हाँ हो सकता है इसमें 0.6 है तुम्हारे में 4 हो या 2, ये हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राइटर में गिनती बदल सकती है, लेकिन टॉपिक और कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है रिया पटोल आ रहा है भैया, आ रहा है कमल, मनोज, बहुत अच्छे, सबके में है। चलो बच्चे ठीक है, तो साथियों क्या करना है, इसे कह रहा है इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, बोथ आर इंटीजर्स, बट क्यू डज नॉट इक्वल 0। अरे वही परिमेय संख्या की कहानी बताया, और क्या है, रेशनल नंबर की कहानी बताया है। तो बच्चों क्या करोगे, आप इसकी हकीकत जानते हो ना, इससे परिचित हो ना, जैसे तुम्हारे बगल का एक लड़का है और बड़ा ही लोखा टाइप का है, अब मान लो उसकी कहीं से शादी तय हो रही है, भाई उसके जो बरदेखा लोग आ रहे हैं, मतलब आपकी भाभी के गांव से, हाँ अगर आपको मिल गए रास्ते में और पूछने लगे भैया बताओ फलनवा का लड़का कैसे है, इसकी क्या रूपरेखा है, हाँ तो तुम उसकी सारी कहानी बता सकते हो ना उनसे, क्योंकि जानते हो ना उनके बारे में अंदरूनी बात, भले दूर वाले नहीं जानते लेकिन तुम तो जानते हो ना, तो वैसे इनके बारे में आप लोग जानते हो। क्या जानते हो, ये जानते हो मैंने पढ़ाया है अभी तक कि इसका मतलब ये आपस में बहुत कुछ समेट के बैठा है, समझ रहे हो ना। चलो तो ये इसका मतलब है, जो इतना लंबा ये गया ये इसी में समेट के बैठा था, जैसे कोबरा सांप देखे हो लपट के बैठ जाता है, लगता बहुत छोटा है, जब खुलता है पूरा ना ऐसे करके ना, तब लगता है अरे तो इतना बड़ा है, माई रे माई। देखो समझो
तो इसी तरह से इसका मतलब अगर ये इतना बड़ा हो गया तो भैया अब इसको मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं, माना यक्स बराबर, चाहे यक्स के बराबर मान लो या वाई के बराबर मान लो, किसी एक एक चर पद के बराबर हम इसे मान लेते हैं, ये हमारी मजबूरी है मानना। उसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, हमें यहां से यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर यहां पर एक अंक पर बार लगा है, एक अंक पर ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अगर दो अंक पर बार लगा है तो दोनों तरफ 20 से नहीं करेंगे गधों, 100 से करेंगे। अगर तीन अंक पर बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे, याद रखना। बोलो आया समझ में? अगर एक अंक पर बार लगा है तो 10 से गुणा करोगे, दो अंक पर लगा है तो 100 से, तीन अंक पर लगा है तो 1000 से, इस चीज को याद रखना। अवधेश अकेला, भाई अकेले कहाँ हो गए तुम, कहाँ गई तुम्हारी मैडम, गई निकल गई का, देखो समझो, जाने दो छोड़ो। अब इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखो समीकरण एक में, समीकरण एक में दोनों पक्षों में या फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है। इतना सब कुछ ठीक है तो भैया थोड़ा सा रुक जा बाबू, बहुत ज़्यादा हम इसको गड़बड़वा दिए थे। चलो समझ गए ना बच्चों, अब क्या करोगे, 10 से गुणा कर दो, रोका किसने है, चलो 10 से गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10 यक्स, ये एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा तो भैया ये 6.66666666 हो जाएगा ये, समीकरण दो बन गया। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन बन गए। अब क्या करोगे, अब नीचे लिखो, क्या लिखोगे, हाँ तुम बंद हो जा, बंद हो जा, नीचे लिखो समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, चलो घटा लो, घटा लोगे ना, प्रीति तिवारी पहले जो हो रहा है उसको करने दो भैया, लिखो समीकरण दो माइनस समीकरण एक, तो भैया हो समीकरण दो से समीकरण एक हम घटाएंगे तो अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो तुम कहोगे मुझे समझ में आया नहीं, इसलिए मुझे पूरी कहानी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो हम ऊपर मिटा के लिखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब बोर्ड में, ऊपर एकदम नहीं समझो, तो यहाँ पे जगह है लेकिन थोड़ा सा कम है, सकेते में समधियान हो जाएगा इसे बोलते हैं, चलो लिख लेता हूँ। तो समीकरण दो 10 यक्स है बराबर 6.666 मतलब 6666, ज्यादा बार ना बोलो, नहीं इसका मतलब कुछ और निकलने लगेगा। चलो तो ऊपर अब हम लिख रहे हैं, अगर नहीं लिख पाए थे तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके लिखो, मुकेश शर्मा कुछ बुझा रहा बचवा, दिमाग में घुस रहा थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा समझ में ना, ये समीकरण दो था, समीकरण एक क्या आया था, अरे हमें याद है, जाने दो, ये आया था, ये समीकरण एक था ना, हमें क्या करना भैया, इनको दोनों को घटाना है, तो बाबू घटाना तो तुम पहले से सीखे हो कक्षा 6 में 5 में 4 में, हाँ इतना तो गधा होने की नहीं सीखे हो, ये घटाओगे 9x आएगा, इधर देखो बच्चों दशमलव के इधर बाई साइड केवल 6 आएगा, इधर सब 6 है तो ये क्या हो जाएगा, ये सब सुनना हो जाएगा बच्चा, लास्ट तक क्या हो जाएगा, सुनना हो जाएगा, हर्षित पालीवार, हर्षित पालीवार जी कुछ समझ में आ रहा है, देखो बच्चा वीडियो बैक करके लिखते जाओ, एक काम किया करो, जब स्क्रीन पे हम पूरा लिख दें और हट जाते हैं सामने से, देखो हम हटते रहते हैं बीच बीच में, छुपते रहते हैं कि जिससे तुम्हें स्क्रीन पूरा दिखाई पड़े, तो तुम स्क्रीन शॉट ले लिया करो फटाफट झट से, हाँ जैसे बिल्ली देखे हो घर में कहीं दूध रख दो भूले से लपक लेती है, वैसे लपक लिया करो तुम लोग। चलो देखो अब इधर के जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो भैया ये यक्स बराबर हो जाएगा 6/9, अब तुम इसे
काट दो तीन से, तो ये आंसर होगा। बस सबको समझ में आया ना? प्रीति तिवारी बहुत अच्छा, प्रीति जी बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने 100 में से 89 मार्क्स हासिल किए हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप अच्छा करें। लेकिन ये सरकार का जो गड़बड़ रूल चल रहा है, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता पढ़ाने का। मैं क्या पढ़ाऊँ, कौन सा सेमेस्टर पढ़ाऊँ, ना किसी एग्ज़ाम का पता आता है, ना ये पता है कौन सा परीक्षा होगा, कौन सा प्रमोट होगा, तो इसमें क्या किया जाए। हो गया, छाप लिए। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा अलग सा है, अलग सा है ना, देखो समझो। इतने बड़े बड़े लोग 9 क्लास में पढ़ते हो, क्यों तुम्हें दिख रहे हैं कहाँ कि इतने बड़े हैं? हाँ, ये बताओ दूसरा कौन कौन कर लेगा, ईमानदारी से बताना, झूठ ही नहीं बोलना। दूसरा पार्ट कौन कौन कर लेगा? मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ का, हाँ नर्री फार के चिल्ला रहा हूँ का मैं, थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है रेड लाइन क्रॉस कर रही साउंड की। मैथ भाई करण कुमार, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो, एकदम टॉपर हो। चलो, बहुत तेज गर्मी है ना। सेकंड पार्ट देखो बच्चा, देखो देखो, मुझे पता है तुम कितना कर लोगे, ये थोड़ा अलग है। सेवन पे बाहर है इसमें, बाहर का मतलब ये खोपड़ी का बाहर नहीं, मैथमेटिकल वर्ड है वो, ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी साथी फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए फिर से, जो नहीं करे थे, जो अभी नए नए आए हैं, निवेदन है उनसे, और सेशन को लाइक कर दिए तुरंत, और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी आप समझिए। हाँ करना चाहिए ना भाई, ईमानदारी से दिल से पूछो, करना चाहिए ना। चलो इतना करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो जल्दी करो साथियों, हम सबको पता है, क्या पता है, अरे जो पढ़े हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़े कभी उनको क्या पता है, कुछ नहीं पता है। देखो हमें ये पता है कि इस पे सेवन पे बार लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 0.47777777 ऐसे ऐसे ये 111 है, इसका ही मतलब है ना। अगर ये बार का चिन्ह फोर पे भी होता तो ये 4747447 जाता, इसका यही मतलब है, इतना ही मतलब है ना। अब देखो समझो, तो बच्चों प्यारे साथियों इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.4777 डैश, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया ना बच्चा? हाँ कुछ बुझा उजा रहा है थोड़ा बहुत, इतना उतना, चलो बुझाएगा, सब बुझाएगा। ये मैंने क्या किया, मान लिया। अब ये बताओ मुझे इसमें गुड़वा किससे करोगे, 10 से करोगे, 100 से करोगे, 1000 से करोगे, सब ही बताओ। एक एक बच्चा बताएगा नहीं, बहुत तेज से फेंक के मारेंगे, नकुनम घुस जाएगा। चलो बताओ। हाँ बेटा एक के बार सब्सक्राइब होता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा नहीं करना। किससे कूड़ा करेंगे मैंने पूछा है, अब तुम बोल कह नहीं रहे हो, अभी तक मार टपर टपर कर रहे थे। मुस्कान 10 बता रही, अननोन प्लेयर, बेटा तुम आ कहाँ से गए ये बताओ। मोहन लाल अवधेश, ठीक है चलो 10 से ही करेंगे। देखो बच्चा जितने गिनती पे बार लगा रहेगा तुम उतने से ही गुणा करोगे, मतलब उतने जीरो लगा के एक के साथ में। अगर एक गिनती पर बार है तो 10 से, दो गिनती पर बार लगा है तो 100 से, तीन पे लगा है तो 1000 से। अतुल गेमिंग, सुरेंद्र सिंह, अवधेश अकेला, तेज सिंह, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। आप लिख लो समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो बच्चों और बच्चियों ये इतना हो जाएगा। हाँ
दस से गुणा करेंगे तो ये इतना बन जाएगा, ये 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 दो होगा क्यों भाई, यही तो हुआ ना। अब क्या करेंगे, समीकरण दो से समीकरण एक घटा देंगे। नीचे लिखो समीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, ये तो अधूरा है, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है समझो। वर्षा जी कमेंट आ रहा तुम्हारा, वर्षा यादव, ठीक है। तो बच्चों इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है, समीकरण दो से समीकरण एक घटाना है। तो एक बार भाई चल जा यार, मजबूरी में हम दोबारा इनको उतारेंगे। रुको मैं स्याही भर देता हूँ थोड़ा और मस्त चले चटक मटक। यहाँ पे लिख लो समीकरण दो माइनस समीकरण एक, बीच में लिख लो। मार्कर में थोड़ा मैं इंक भर देता हूँ, कोई इसका उत्तर बताए सबसे पहले तो हम जान जाएं कि बहादुर है वो। सूरज श्रीवास्तव, जेके गेमिंग, अवधेश। देखो भैया सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करो, ये हम बोलें बार बार बीच बीच ये बहुत शर्म की बात है, हा? अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आती है। आप लोग समझो क्लास का टाइम शाम को 7 बजे से रात 8 बजे तक, शाम को 7 से रात 8 बजे तक, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है तो थोड़ा इंतजार कर लिया करो, वैसे भी बहुत इंतजार करते हो जिंदगी में, हा? मेरा भी कर लिया करो भाई कोई। देखो समझो, तो ये एक्स इक्वल आपका ये हो जाएगा जो भी था समीकरण एक में, 4 है, सबसे पहले 4 है थोड़ी था, तो जैसे गोबर लीप उठा भाई, ये लो 0.477.1। अब इन दोनों को हम घटाएंगे, लेकिन जो आएगा उसको तुमको न बताएंगे, उसको ऊपर लिखेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो मैं मिटा रहा हूँ। चलो हो गया, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन मिटाया हूँ और जो माना था वो मिटाया हूँ बस, और कुछ ना मिटाया हूँ। छापते चलो फटाफट। तो बच्चों बहुत ही प्यार से समझो, गणित बहुत आसान है। जो इसमें हमारे छात्र भूल चूक से जुड़े हैं, जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती है, वो बिल्कुल जीरो लेवल से PVR स्टडी एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा घटा लो बबुआ, ये हो जाएगा आपका 9x, इधर घटाओगे तो 4.3 आएगा, बस इतना ही आएगा, x बराबर 4.3/9 आएगा, हाँ ठीक है। तो बच्चा हो बाबू हो, इनको हम x बराबर 43/90 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी आपत्ति नहीं ना। तेज सिंह आया समझ में, मनोज सिंह बेटा जितना सारा इमोजी या फिर कुछ और कूड़ा कचरा लगाओगे उतना आपका नाम हम नहीं बोलेंगे, हाँ सिंपल वर्ड में अगर लिखोगे जो अपनी बात तो हमारे नज़र में आएगा तो बोलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं ढेर सारा इमोजी लगा दो, ढेर सारा कूड़ा कचरा उसी में गंदगी भर के भेज दो तो हमारा नाम जरूर बोलेंगे, उनको हम बोलते नहीं बस बर्दाश्त करते हैं, खून ही खोलता उनको देख के, बस बाहर नहीं निकलता, हम उतना थाम लेते हैं अंदर से। हो गया इसका थर्ड वाला जो है, इसको तो हमें लगता है कि तुम लोग कर लोगे, थर्ड वाला कर लोगे कि नहीं। एक चीज और समझ लो, संडे को क्लास नहीं होती, रविवार को भी अगर होगी तो हम बताएंगे, रविवार को हम टेस्ट लेंगे और पटक पटक के मारेंगे बहुत, इतना जान लो, या तो जितना पढ़ाएं उतना पढ़े रहना, ठीक ना। रविवार को टेस्ट लेंगे, वैसे टेस्ट तो सैटरडे को होता है, रविवार को 9 बजे बातचीत होती है क्योंकि आपका कोर्स अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो हर सैटरडे को टेस्ट होगा और जितना पढ़ाए रहेंगे उतना का नोट्स बना के और अच्छे से पढ़ के तब आओगे, ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब पे तुम वीडियो देख ले रहे हो, वीडियो ही देखने से नहीं काम बनने वाला है, ईमानदारी से पढ़ना होगा। कौन कौन टेस्ट देगा बताओ, तभी दोगे ना, पहले पढ़ लो तब ना। चलो अगला देखो समझो। तो प्यारे बच्चों इसमें जो एकठी और है, तिखरकना का कहत बाय, सूखा तो है ना,
फनी वीडियो 0.001, ये है, इसमें तीनों के ऊपर बार लगा है। अब इसकी कहानी समझो कैसे, क्या देखो यहाँ पे समझो बच्चों, इसमें तीन अंक पे बार लगा है। क्या है? तीन अंक पर बार लगा है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है भैया, इसका मतलब ये है बाबू कि ये इतना है, ये इतना है, ये बहुत कलाबाज है ऐसे। यानी ये 0010010001001 रिपीट हो रहा है बार बार, एंड अगेन 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 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, इतना सही है। अब देखो आगे समझो, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना, माना यक्स बराबर, इसको क्या करेंगे, यक्स के बराबर मान लेंगे, इतना ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तीन अंक पर बार लगा है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, अगर एक अंक पर बार लगा रहेगा तो 10 से दोनों तरफ गुणा करोगे, दो अंक पर लगा रहेगा तो 100 से, तीन पर लगा रहेगा तो 1000 से गुणा करोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखो, समीकरण एक में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 1000 एक्स इधर क्या आएगा भैया, 1 आएगा बबुआ, इधर क्या हो जाएगा, सब 00 हो जाएगा जो भी रहेगा अपना, 001001 .. अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, ठीक है। देखो तो घटा लो भैया, 1000 एक्स बराबर ये आपका जो भी लिखा है इसे लिख लो ऐसे ही, 1.001001001 भाई फालतू कमेंट वाले को ब्लॉक करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक करो, ये गलती से पैदा हो गए, इनकी दिक्कत नहीं है। चलो इनको आपस में घटाओगे, 999 आएगा, ये 1 आएगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, चलो ठीक है देख लो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं और दिखा दूंगा अच्छे से। 99 के साथ में ये 999 के साथ में यक्स भी आएगा, तो फाइनल में जो यक्स की वैल्यू आएगी बच्चों 1/999 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, NCERT बुक है, सभी बच्चों के लिए सभी बोर्ड के लिए मान्य है, अगर आपका CBSE बोर्ड है तब भी आप देखोगे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, बाकी है यही, कुछ और अलग नहीं है। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और कह रहा कि आपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं ये बताना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, क्वेश्चन जो भी हमें दिया है देखो क्या दिया है, 0.99999 ये दिया है ना, इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हम सभी जानते हैं इसकी क्या खासियत है, कितना अच्छा है कितना दुष्ट है ये, क्योंकि पहले पढ़ाया हूँ ना। तो भैया इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0.99 के ऊपर बार, सभी बच्चे बोलो यस, लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ नितिन कुमार बेटा पढ़ लो, नहीं बहुत लात मारेंगे हम, जान लो भाग जाओगे यहाँ से, पढ़ लो चुपचाप शांति से पढ़ लो, देखो यहाँ पे समझो, पढ़ लो चुपचाप पढ़ लो। देखो इसको क्या करना है, अब इसे हमें P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। 1.3 में आप पढ़े थे ना, इसके पहले पढ़े थे, मैंने आपको पूरा तरीका बताया था ना। आप क्या करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना यक्स बराबर क्या भाई, चाहे तो इसको रख दो चाहे इसको रख दो, तो हम इसी को रख देते हैं ओरिजिनल वाला 0.99999 .. ये समीकरण एक,
कितना हो गया समीकरण एक ना, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात। इसको आप यक्स के बराबर मान सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, समीकरण एक में ये सब मैं तरीका बताया हूँ पहले एक्सरसाइज में, आप पढ़े हो। समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या अदर राज्य वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखोगे उसका मतलब ही है कि दोनों तरफ करना है, एक तरफ तो करना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 9.99999 ... और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना तो तुम समझ गए ना, इसमें तो कोई हैरानी नहीं है ना। हाँ, लाइव सॉन्ग समझ में आ रहा बच्चा, गजेंद्र ओझा, मोहम्मद आजाद। चलो देखो, इतना समझ में आया, इतना आया तो छाप लो, फटाफट छाप लो, मैं इसको मिटाऊंगा। आप चलो बता देना, लिख लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ। हो गया, स्मृति विद्यार्थी, हो गया। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं कि मैं यहाँ पर उसी में लिपता रहूंगा, बहुत कम जगह है। अब आगे लिखो, देखो लिखते चलो साथ में, कॉपी पेन लेके बैठो, यहाँ पे प्रसाद नहीं मिलने वाला है, कथा हो रही, लास्ट में शंख बजेगी तो मिलेगा, मिलेगा नहीं, यहाँ पे जो मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है, बाद में ना मिलेगा कुछ। अब समीकरण आप लिखो यहाँ पे, समीकरण 2 - समीकरण 1, मतलब कि इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें सबट्रैक्ट कर लेना है, घटा लेना है। तो बच्चों जो दूसरा आया था वो आया था 10x बराबर 9.99999... ये सेकंड है, पहला इक्वेशन था x इक्वल 0.99, बोलो यही था ना, इनको आप सबट्रैक्ट कर लो भाई, 10x से 1x घटाओगे 9x आएगा, बराबर देखो ये 9 आएगा, 9.0 आएगा, क्यों भाई, लिख लो 0 0 ना, तुम ऐसे घटा लो सब 9 9 है तो 0 0 हो ही जाएगा, हा? हो जाएगा ना। अब समझो, तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे 9/9, फाइनल में आएगा 1, तो x का मान कितना आएगा, कोई बताए, एनीवन बोलो x का मान कितना आएगा। चलो इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ये लो, ये कट जाएगा तो 1 आएगा ना, यानी x का मान क्या आया, 1 आया, ये तो हो गया p/q के रूप में हो गया, इतना ही इसको लिखना था, 1/1 करके बराबर p/q कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, सरप्राइज हुए आप कुछ की नहीं, इसमें का कुछ नया है जो सरप्राइज होगा या आश्चर्यचकित होगा, कोई कुछ नया नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप सभी, तब मजा आएगा बच्चा। देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका, देखो एक चीज मैं आपको बताया था, नहीं फिर बता दूं, अगर 0.3 है, 3 के ऊपर बार है ना, तो आप इसे लिखे थे बच्चा 3/9, अगर 0.6 है, 6 के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6/9, हाँ, अगर 0.7 है, 7 के ऊपर बार है, तो हम लिख सकते हैं 7/9। तो इसी क्रम में भैया हो, 0.9 था, 9 के ऊपर बार था, तो इसे हम लिखे 9/9, ये कट गया तो 1 आ गया, इसमें कोई नया नहीं हुआ है, समझ गए ना, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, सब पुराना ही है, ये चीज आप याद रखना। हाँ एक चीज और समझ लो, अगर इसमें 2 गिनती के ऊपर बार है, तो भैया उधर 99 लिखोगे नीचे, ये ट्रिक है, जो कंपटीशन की परीक्षा देते हैं उनको ये सिखाई जाती है, ये ट्रिक है, समझ गए ना। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी क्लास को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे फ्री पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, याद रखना ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है नहीं। जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेली सहेला हैं, जो भी हैं, सबको शेयर करो क्लास, सबको लेके आओ, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, आपकी साइंस की और इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, सारा विषय पढ़ाया जाएगा कक्षा 9 के लिए, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ो, 200 300 400 500 1000 बच्चे, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतनी बड़ी क्लास चलेगी, कई बार रिवाइज करवा देंगे। नाइन्थ का मजबूत कर लिए ना,
बोर्ड में 100% आप करोगे कक्षा 10 में, क्योंकि नींव कक्षा 9 से ही पढ़ती है, और कक्षा 9 में जो लत्ताई कर लिए ना, कक्षा 10 में फिर कुछ नहीं होंगे, गोबरे भरेंगे बस, समझ लो। इसलिए कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ लो।